आज की वीडियो में हम लोग इससे लेकर क्यू तक 23 इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में बात करेंगे, 23 वर्ब के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। ये अक्सर रिपीटेड वर्ड है, हमेशा ये डेली लाइफ में भी हमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ये 23 वर्ड। इससे पहले मैं ए से 10 वर्ड बनाया वीडियो, उसके बाद बी से मैं 10 वर्ड का बनाया, फिर सी से 10 वर्ड और डी से 10 वर्ड और उसके बाद ई से ई और क्यू का 23 वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड का वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर उस वीडियो को आप मिस कर दिए हैं तो। ये इंग्लिश सीखने के लिए और ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एच से लेकर क्यू तक, एच से लेकर क्यू तक का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ए से 10 ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, जे से ज्यादा 10 इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए पूरा मिक्स करके क्यू तक 23 ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे मिले हैं जो बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे है एच यू आर टी, हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होता है, चोट पहुंचाना, जैसे किसी को दिल से चोट पहुंचाते हैं ना तो उसे क्या होता है, हर्ट करते हैं। हर्ट करने मतलब एच यू आर टी, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। उसके बाद सेकंड नंबर पे है एच ओ पी, होप। होप मीन्स क्या होगा, आशा करना, किसी से आशा रखना। उसके बाद थर्ड नंबर पे जे यू एम पी, जम्प। जम्प मतलब क्या होता है, उछलना। शेर क्या करते हैं, उछलते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं, उसे जंप करना उछलना बोलते हैं। फोर नंबर पे है के डबल ई पी, कीप। कीप मीन्स रखना। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे के एन ओ डब्ल्यू, इसे क्या पढ़ेंगे, नो। नो मीन्स जानना। सब इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होते हैं, सभी को जानना जरूरी है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको जानना जरूरी है। उसके बाद सिक्स नंबर पे एल आई बी, लिव। लिव मतलब रहना, ये भी सबको जानना जरूरी है, लिव मतलब क्या होता है, रहना। उसके बाद एल ई ए आर एन, लर्न। लर्न मतलब सीखना। उसके बाद एट नंबर पे एल ई ए बी ई, इसे क्या पढ़ेंगे, लीव। लीव मीन्स छोड़ना। उसके बाद नाइन नंबर पे एल डबल ओ के, लुक। लुक मीन्स क्या होगा, देखना। उसके बाद लुक का मतलब क्या होता है, लुक मतलब वॉच भी होता है और सी भी होता है, तो वॉच और सी मतलब भी देखना होता है। उसके बाद एल ओ बी ए, लव। लव मतलब क्या होगा, प्यार करना। उसके बाद एल ओ ए सी, इसे क्या पढ़ेंगे, लूज। लूज मीन्स क्या होगा, खोना। और एक होता है लॉस, एक होता है लॉस। लॉस मतलब क्या होता है, एल ओ डबल एस, लॉस। लॉस मतलब क्या होता है, हानि, नुकसान होना। और ये होता है लूज, लूज मीन्स खोना। और ये होता है एल ई एन डी, इसे क्या पढ़ेंगे, लैंड। लैंड, लैंड मीन्स उधार देना। उसके बाद यहाँ पे क्या है 30 नंबर पे, लीप। एल ई ए पी, लीप। लीप मतलब क्या होता है, छलांग लगाना। जैसे शेर होते हैं तो अपने पैंजों से क्या करते हैं, लंबा लंबा छलांग लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लीप करना। 40 नंबर पे एल ई ए डी, ये क्या है, लीड। लीड मतलब क्या है, नेतृत्व करना, किसी को गाइड करना। जैसे नेता लोग क्या होते हैं, उसे लीडर बोलते हैं, तो लीडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबको गाइड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, इसलिए लीड मतलब गाइड करना, नेतृत्व करना, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता नेतृत्व। उसका 15 नंबर पे है मेक। मेक मतलब क्या, बनाना। आई मेक ए टी, क्या मैं चाय बनाता हूँ, तो मेक मतलब क्या, बनाना। उसके बाद 60 नंबर पे एम डबल ई टी, मीट। मीट मतलब क्या होता है, मिलना, किसी से मिलना। उसके बाद 70 नंबर पे एम ए डबल वार डबल आर वाई, क्या पढ़ेंगे इसे, मेरी। मेरी मीन्स शादी करना। उसके बाद मेरिड मतलब क्या होता, शादी कर लिया। उसके बाद एम आई एस टी ए के, मिस्टेक। 80 नंबर पे है क्या, एम आई, ये क्या है, एम आई एस टी ए के, मिस्टेक। मिस्टेक मतलब गलती करना। उसके बाद क्या है 90 नंबर पे ओपन, ये क्या है, ओ पी ई एन, ओपन। ओपन मीन्स खोलना, किसी को ओपन करना यानी खोलना। उसके बाद 20 नंबर पे है प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। प्ले मीन्स खेलना। उसके बाद 21 नंबर पे पी यू टी, क्या पढ़ेंगे इसे, पुट। पुट मतलब रखना, ये क्या है, मार्कर, इसे क्या रखेंगे, यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, पुट। पुट मतलब रख दिए, पुट मतलब मार्कर रख दिए, पुट मतलब रखना। उसके बाद 22 नंबर पे, पे मतलब चुपता करना, इसे कहीं भी जाते हैं तो पैसे जमा करना होता है, उसे क्या बोलते हैं, पे करना, यानी पैसे जमा कीजिए। क्वारल पैसा चुकता करना, उसे मतलब डिपॉजिट करते हैं ना, तो ही चुकता करना होता है, किसी से उधार लिए तो चुकता करना है ना, तो पे करते हैं, पे करते हैं। अब 23 नंबर पे क्वारल, क्वारल का स्पेलिंग आती है क्यू यू ए डबल आर ए एल, क्वारल। क्वारल मतलब क्या होता है, झगड़ना, जैसे औरतों लोग का झगड़ा होता है ना, उसे क्वारल बोलते हैं। अब फाइट मतलब लड़ना होता है, क्वारल मतलब झगड़ना होता है। तो इस प्रकार की रेगुलर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं
तो सीधे आपको एक नया मैसेज आएगा जिससे आप वीडियो को देख सकते हैं।